नमस्कार। मित्र और मित्र की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर है कि आप किसकी मित्रता को अपना आदर्श मान रहे हैं। कहीं पढ़ा था मैंने कि यदि आपकी मित्रता 7 साल ठहर गई तो जीवन पर्यंत रहेगी, पर 7 साल तक जिसके साथ निभा सकें ऐसा मित्र कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें, ये तो जीवन का बहुत आवश्यक निर्णय हुआ। आदर्श शक्तिशाली, प्रेरणादायक और मजबूत होने चाहिए। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आप रतन टाटा को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन शायद अपने पड़ोस के दुकान वाले व्यक्ति को नहीं। तो ऐसे में मित्रता के लिए क्या किया जाए? तो दोस्ती का ये कि मेरी समझ में एक ऐसी मित्रता है जो हर उस आदर्श को निभाती है जिसके दो मित्रों को आवश्यकता है। वह मित्रता है शिव और विष्णु की। दोस्ती के 5 शीर्ष गुण विश्वास, निर्भरता, सम्मान, हास्य, सत्यनिष्ठा इन 2 ब्रह्मांडीय मित्रों के बीच के प्यार में स्पष्ट दिखते हैं। आपको सबूत चाहिए? चलिए दे देते हैं। अनलर्न विद आशीष में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी दोस्ती को दोस्ती के बंधन से भी परे मानते हैं तो आप धन्य हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। आपको अपने दोस्त से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या तू मेरा साथ देगा, ये अंडरस्टूड है। तुम मांगते हो वो तुम्हें देता है। यदि वो नहीं दे सकता तो आप उसकी निष्ठा पे संदेह नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि हाँ, कोई मजबूरी रही होगी। हिंदू परंपरा के अनुसार जब दिव्य अमृत और अन्य उपयोगी तत्वों के लिए ब्रह्मांडीय समुद्र का मंथन किया जाना था तो शर्त ये थी कि इससे जो कुछ भी आता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा और उसके बाद ही मंथन कंटिन्यू रहेगा। पहली समस्या थी एक मजबूत आधार की कमी जिस पर मंदार पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रखा जा सके। तो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, ब्रह्मांडीय महासागर के तल पर गए और शक्तिशाली मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भगवान शिव के जो सहायक हैं, वासुकी सर्प जो उनके गले में है, उनको कहा कि आप मथने के लिए रस्सी बन जाओ, तो वो मथने के लिए रस्सी बन गए। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहला उत्पाद गर्म विष था, हलाहल। गर्मी और विषाक्तता पूरी दुनिया को जलाने और मारने लग रही थी। किसी को तो इसे स्वीकार करना था, इसको उपभोग करना था। विष्णु मंथन में लगे थे तो किस पर भरोसा किया जा सकता है? उनके सबसे अच्छे मित्र, बेस्ट फ्रेंड शिव पर। किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। शिव आए, विष पिया, अपने गले में बसा लिया जो नीला हो गया। इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा, नीले कंठ वाला। दोनों दोस्त बस एक दूसरे को मुस्कुरा दिए मन ही मन। यह है निर्भरता, पहला प्रिंसिपल दोस्ती का, मित्रता का। शिव की पहली पत्नी सती, उन्होंने आत्मदाह कर लिया जब उनके पिता ने एक भव्य समारोह में शिव का अपमान किया। शिव ने शुरू में सती को समारोह में ना जाने के लिए कहा था क्योंकि सती के पिता ने उन दोनों को आमंत्रित नहीं किया था, और जब तक कोई आपको अच्छी चीजों के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा है तब तक उसके उत्सव का हिस्सा बनना ठीक नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और चली गई, शिव नहीं गए। परिणाम स्वरूप उसने अपने पिता और सभी को शिव का अपमान करते हुए देखा। वहां पर दुखी और अपमानित होकर सती ने यज्ञ की चिता में ही, यज्ञ की वेद अग्नि में ही छलांग लगा दी और आत्मदाह कर लिया। जब शिव को यह पता चला तो वहां पहुंचे, बहुत दुखी हुए, उदासी में खो गए। बेशक बहुत गुस्से में थे, उसका बदला लिया, लेकिन वो कहानी फिर कभी बात करेंगे। तो शिव एकदम दुखी, बेसुध अवस्था में वहां पर पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन का प्रेम ही नहीं रहा। शिव ने फिर कोमलता से सती के पवित्र शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे चिंतित देवताओं ने सोचा कि शिव की सुधबुद्ध को बहाल कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने किससे सहायता मांगी होगी? उनके बेस्ट फ्रेंड से, विष्णु से। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर को 52 भागों में काट दिया, और वो भाग धीरे धीरे शिव के हाथों से पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये है सेकंड प्रिंसिपल, सत्यनिष्ठा। इस बात का डर नहीं कि दोस्त क्या सोचेगा,
और फैसला लेने से उससे क्या फायदा होगा, बस जो उसके लिए सही है वो कर देना। शिव ने देखा कि उनके हाथ में तो अब कुछ है ही नहीं। उनको स्मृति प्राप्त हुई, एक झटका सा लगा, अरे क्या लेकर घूम रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं। और ब्रह्मांड में फिर से विवेक बहाल हो गया। वैसे ये टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे थे वहां शक्ति पीठ बन गए, अत्यधिक पवित्र पूजा स्थल। अच्छा, शिव और विष्णु मस्ती भी बहुत करते हैं, तो माता पार्वती के साथ शिव जी का विवाह था। शिव ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं, वो अजन्मा है। अजन्मा मतलब जो हमेशा रहता है, उनका कोई पिता नहीं है, वो तो सबके आदि हैं। जिस पुजारी ने इनका विवाह करना था, जिन पंडित जी ने इनका विवाह करना था, वह अनुष्ठान के उस भाग तक पहुंच गए थे जहां पिता, दादा और परदादा का नाम पूछा जाता है। तो उन्होंने शिव से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अब कोई पिता तो है नहीं उनका, तो शिव क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा, विष्णु ही मेरा पिता है। शायद यहीं से वो दोस्तों के बीच में प्यारा सा मुहावरा आया, अपने बाप को सिखाएगा क्या। खैर, अब पंडित जी ने शिव से पूछा कि तुम्हारे दादा कौन है? अब विष्णु भी अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, वह भी सबके माता पिता हैं, उनका भी आदि कोई नहीं है। तो शिव कहते हैं, देखो मेरे दादा ब्रह्मा है, विष्णु का पिता ब्रह्मा। शिव को अब राहत मिली कि चलो अब शादी कंटिन्यू होगी। लेकिन पुजारी ने कहा, अब तुम्हारा परदादा कौन है? अब शिव का आपा खोने लगा। उन्होंने कहा, देखो मेरे पिता विष्णु, विष्णु के पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा का पिता मैं हूं, शादी करानी है तो करा दो, नहीं तो जाने दो। यह हुआ ह्यूमर, हास्य, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छा जी, फिर त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध शुरू होने वाला था। अब राम, जो कि विष्णु के अवतार हैं, कभी भी अपने मित्र शिव के बिना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते, इसलिए उन्होंने शिवलिंग को समुद्र के तट पर स्थापित किया जहां उनकी सेना तैनात थी। उन्होंने शिवलिंग की पूजा की और मानसिक रूप से शिव का समर्थन मांगा। मन ही मन वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और शिव ने कहा, आई एम देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। राम ने कहा, मुझे पता है। और फिर राम ने अपनी सेना से कहा, अब हमारे पास रामेश्वर यानी राम के ईश्वर शिव का आशीर्वाद है। यह सम्मान हुआ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेंडशिप। अब सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं, विश्वास। यह भी बहुत दिलचस्प है। विष्णु जानते हैं कि शिव बहुत दयालु हैं और जो कोई भी उन्हें तपस्या से प्रसन्न करेगा उसको कुछ ना कुछ वरदान मिल जाएगा। दानव और अधर्मी लोग इसका बहुत फायदा उठाते हैं। तो भस्मासुर नाम के एक राक्षस ने बड़ी तपस्या की और शिव से वरदान मांगा कि जिस किसी के भी सर को वह ऐसे छुएगा वह जलकर राख हो जाएगा। अब वो पागल दानव शिव पर ही अपने इस वरदान को आजमाना चाहता था। शिव दौड़े वहां से और विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई हेल्प मी ब्रो। तो विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, अति सुंदर महिला। अब भस्मासुर को तुरंत उनसे प्यार हो गया और उसने कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। मोहिनी ने कहा कि तुम्हें पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा क्योंकि मुझे नृत्य बहुत पसंद है और जो स्टेप्स मैं करूंगी अगर तुम वही हूबहू कर पाओगे तब शादी करूंगी। कई दिनों तक यह नृत्य चलता रहा और इस बीच मोहिनी ने एक पोज दिया जिसमें उनका हाथ उनके सर के ऊपर रखा हुआ था। भस्मासुर ने उसकी नकल करी और तुरंत राख में बदल गया। यह ट्रस्ट है। आप कितनी भी गड़बड़ कर दें पर आपका दोस्त पे आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको आपके दुख से बाहर निकालेगा। वास्तव में भगवान कृष्ण, जो कि विष्णु के ही अवतार हैं, उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान एक बार बड़ी हंसी ठिठोली करते हुए एक टिप्पणी करी कि महादेव भी यूं ही वरदान देते रहते हैं और उनके वरदानों को संभालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। यही दोस्ती है, यही मित्रता है। कोई निर्णय नहीं, कोई डर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, केवल भक्ति, अगाध प्रेम। वे दोनों शक्तिशाली हैं, शिव विष्णु मूल हैं, वे एक हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई दोस्त है या आप किसी के विष्णु और शिव हैं? मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास एक से अधिक शिव और विष्णु हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने शिव और विष्णु के साथ शेयर करें। नमस्कार।